हे एवरीवन, वेलकम टू कुक मेंटोर। आज ऐसी स्टार्टर रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हम ज़्यादातर शादियों में खाते हैं। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ चटनी कबाब की रेसिपी। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टार्टर है, साथ ही ये बहुत इजी रेसिपी है। अगर आपके घर मेहमान आ भी जाए तो आप इसे झटपट बना सकते हैं, इतनी सिंपल रेसिपी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और हमारी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चले। चलिए ज़्यादा वेट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे जो हम यूज़ करने वाले हैं चटनी कबाब के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं ले रही हूँ फ्रेश पुदीना, ये एक कटोरी जितना पुदीना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्च। अब डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इस तरह से मैंने इसे लंबाई में कट कर लिया है। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक। अब मैं यहाँ पर आधा नींबू स्क्वीज करके डाल रही हूँ। नींबू डालने से चटनी का फ्लेवर बढ़ता है। अब डालेंगे इसमें 1 ब्रेड। ब्रेड का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि चटनी जो है ज़्यादा पतली ना बने और सॉलिड फॉर्म ही रहे, क्योंकि हमें चटनी का इस्तेमाल स्टफिंग की तरह करना है, इसलिए हम चटनी को ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, इसे गाढ़ा ही रखेंगे। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 2 बर्फ़ के टुकड़े। मैं बर्फ़ के टुकड़े हमेशा यूज़ करती हूँ हरी चटनी में ताकि उसका कलर जो है बिल्कुल ग्रीन रहे और ज़्यादा डार्क ना हो जाए। चटनी को ग्राइंड कर लिया है मैंने, बस 2 से 3 चम्मच इसमें पानी ऐड किया था और देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो यहाँ पर हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है, इसे साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर कबाब बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 500 ग्राम चिकन, ये बोनलेस चिकन है। अब मैं डालूँगी इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्च, 2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 मुट्ठी भरकर हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे। 2 चम्मच बेसन का आटा डाल रहे हैं, इसे हल्का सा भून लिया है मैंने, यानी कि ये हल्का सा रोस्टेड है। अब डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यहाँ पर 2 ब्रेड मैं डाल रही हूँ इसमें, इस तरह से ब्रेड और बेसन बाइंडिंग का काम करता है तो इन्हें ज़रूर डालें। मैं यहाँ पर फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास नहीं हो तो आप मिक्सर जार में भी इसे आराम से कर सकते हैं। सभी चीज़ों को मिक्सर के जार में डालें और इस तरह से पीस लें। हमें अच्छी तरह से चिकन का खीमा बनाना है और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स होने देना है। तो कबाब बनाने के लिए हमारा चिकन का मिक्सचर रेडी है। यहाँ पर हम 2 बाइंडिंग कर रहे हैं, तो पहले हम अंडे वाली बाइंडिंग करेंगे। तो यहाँ पर 2 अंडे ले रही हूँ मैं और इसमें हमने डाला है स्वाद अनुसार नमक और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। एक बार अच्छी तरह से फेंट लेंगे। चलिए अब फटाफट से कबाब बनाते हैं। एक बॉल जितना हमने चिकन का खीमा लेना है। अगर आपको लगे कि चिकन के मिक्सचर में थोड़ा भी मॉइस्चर है या फिर ये गीला है तो आप इसमें 2 चम्मच बेसन का आटा और ब्रेड क्रम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसे कटोरी की शेप दे देना है और अब इसके बीच में हम ये जो हमने तैयार की है हरी चटनी, इसे डाल देंगे। थोड़ी सी ही डालें, ज़्यादा ना डालें। अब हम जिस तरह से कचौरी को बंद करते हैं उसी तरह से ये वाले कबाब को हम बंद करेंगे और अच्छी तरह से सील कर लेंगे। इसी तरह हमने सभी कबाब्स को रेडी कर लेना है। जब हम इस तरह से चटनी कबाब बनाते हैं तो हमें सॉस वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसमें ऑलरेडी चटनी होती है। यहाँ कबाब बन चुके हैं, अब इसे बाइंड करते हैं। सबसे पहले हम डिप करेंगे अंडे के मिक्सचर में और अच्छी तरह से कोट करेंगे। अब हम डालेंगे इसे ब्रेड क्रम के मिक्सचर में और ब्रेड क्रम से भी अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। सभी कबाब को यही वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पर तेल मीडियम हाई पर गर्म हो चुका है, अब हम फटाफट से इसमें कबाब तलेंगे। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रहे इसे, सिर्फ शैलो फ्राई जितना हमने तेल ले लिया है। अब कबाब को एक साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने देंगे, उसके बाद हम इसकी साइड्स चेंज करेंगे। चिकन चटनी कबाब नीचे से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसकी साइड्स चेंज कर रहे हैं। दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, अब इन्हें फटाफट से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही ज़बरदस्त चिकन चटनी कबाब रेडी है। देखिए आगे पीछे से बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है, गोल्डन ब्राउन कलर आया है। चलिए आपको कट करके दिखाती हूँ अंदर से किस तरह से टेक्सचर दिखता है इसका। देखिए देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। आप भी चिकन चटनी कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि किस तरह लगे आपको ये रेसिपी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कुक मेंटोर को। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।